आईपीएल 2021 की 39वीं मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने दुबई में मुंबई इंडियंस को 54 रनों से हराया और जबरदस्त जीत हासिल की। आरसीबी ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 165 का स्कोर बनाया, जिसके जवाब में मुंबई इंडियंस 111 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। हर्षल पटेल ने 4 विकेट लिए, जिसमें हैट्रिक भी शामिल था। ग्लेन मैक्सवेल ने शानदार ऑलराउंडर प्रदर्शन किया। मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और सौरभ तिवारी की जगह टीम में हार्दिक पांड्या की वापसी हुई। आरसीबी की टीम में 3 बदलाव हुए और टिम, नवदीप सैनी और हसरंगा की जगह सहवाज अहमद, डैनियल और काइल जेमिसन को शामिल किया गया। आरसीबी की शुरुआत अच्छी नहीं रही और दूसरे ही ओवर में 7 के स्कोर पर देवदत्त खाता खोले बिना आउट हो गए। विराट कोहली ने दूसरे विकेट के लिए श्रीकर भरत के साथ 68 रन जोड़े। पावर प्ले के 6 ओवर के बाद 1 विकेट पर 48 था। 9वें ओवर में 75 के स्कोर पर श्रीकर भरत आउट हुए। यहां से कोहली ने ग्लेन मैक्सवेल के साथ तीसरे विकेट के लिए 51 रन जोड़े और 13वें ओवर में टीम को 100 के पार पहुंचाया। हालांकि 16वें ओवर में 126 के स्कोर पर कोहली 42 गेंद पर 51 रन बनाकर आउट हो गए। ग्लेन मैक्सवेल ने 33 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया और टीम को 18वें ओवर में 150 के पार पहुंचाया। हालांकि 19वें ओवर में 161 के स्कोर पर 37 गेंद पर 56 रन बनाकर आउट हुए और अगली ही गेंद पर एवी डिविलियर्स भी आउट हो गए। आखिरी ओवर में 162 के स्कोर पर सहवाज अहमद भी आउट हो गए। काइल जेमिसन 2 और डैनियल ने 1 रन बनाकर नाबाद रहे। मुंबई इंडियंस की तरफ से बुमराह के 3 विकेट के अलावा ट्रेंट बोल्ट, एडम मिलने और राहुल चहर ने 1-1 विकेट लिया। क्यूरोन पोलार्ड और हार्दिक पांड्या ने टीम को 16वें ओवर में 100 के पार पहुंचाया, लेकिन हर्षल पटेल ने हैट्रिक लेकर मैच को एक तरफा कर दिया। 17वें ओवर में 106 के स्कोर पर हार्दिक पांड्या और पोलार्ड और राहुल चहर लगातार 3 गेंदों पर आउट हो गए। 18वें ओवर में 111 के स्कोर पर जसप्रीत बुमराह और 19वें ओवर में 111 ही स्कोर पर एडम मिलने खाता खोले बिना ही आउट हो गए और मुंबई को एक तरफा हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल में आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है, हमें कॉमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।